हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पुष्पा। पुष्पा की पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बेसन और सूजी की बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। इस बर्फी को बनाने के लिए ना तो आपको मिल्क पाउडर की ज़रूरत है और ना ही कोई चाशनी बनाने का झंझट, क्योंकि चाशनी बनाते तो हमारी कई बार चाशनी परफेक्ट नहीं बनती और बर्फी इस वजह से हमारी ख़राब हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। तो चलो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सूजी की बर्फी बना रहे हैं तो हम पहले सूजी ले लेते हैं। ये मेरे पास बारीक वाली सूजी है, आपके पास मोटी वाली बारीक वाली जो भी सूजी है आप ले सकते हैं, और कोई भी कप कटोरी से नाप कर ले। मैं इस कप से नाप कर रही हूँ, आप इच्छा अनुसार कोई भी कप कटोरी सेट कर ली। एक कप मैंने सूजी मिक्सी के जार में डाल दी और एक कप ले लिया मैंने बेसन। बेसन मैंने इसके अंदर बारीक वाला ही लिया है, फिर भी आपको दोनों को पीसना है। आप मोटी सूजी ले या बारीक सूजी ले, चाहे कोई भी सूजी ले, आपको मिक्सी में डाल के दोनों को अच्छे से 1 मिनट के करीब पीस के बारीक कर लेना है। इससे जो हमारी बर्फी है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगी। तो मैंने अच्छे से दोनों को 1 मिनट के करीब पीस लिया था और अच्छे से ये फाइन पाउडर बन के तैयार हो गया हमारा। अब मैं एक भारी तले की कढ़ाई ले लूँगी। आपको कोई भी कढ़ाई ले, भारी तले की लेनी है ताकि मिश्रण हमारा भूनते समय तले में चिपके ना। तो इसके अंदर मैंने सूजी बेसन को निकाल दिया, सेम जार वापस ले लिया और सेम कप से 1.5 कप मैंने चीनी डाली। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा पीस के पाउडर बना लेना है। आप मीठा थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम के करीब है लगभग मावा ले लिया, जिसे खोआ भी बोलते हैं। ये मावा मैंने कल ही घर में बनाया था तो मैंने थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि बर्फी में टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको आप या तो कद्दूकस कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से हाथों से बारीक कर ले। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप क्या डाल सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इसका भी वीडियो मैंने कल चढ़ाया हुआ, तो मावे का वीडियो आप देख सकते हैं। मार्केट से मिलावटी मावा लाने के बजाय आप घर में मावा बना के तैयार कर सकते हैं। और तो अब हम साइड में बर्तन भी तैयार कर लेते हैं। सारी तैयारी आपको पहले कर लेनी है। तो मैं इस टीन में थोड़ा सा तेल या घी लगा के आप चिकना कर ले, मैंने घी लगा के चिकना कर लिया है। आप थाली प्लेट अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हैं। अब गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई गैस पे चढ़ा देंगे। गैस की आँच मीडियम रखनी है आपको। अगर ज़्यादा तेज़ जलता है तो आप मीडियम रखें, नहीं तो तेज़ रख सकते हैं। बस तले में मिश्रण है, चिपकना नहीं चाहिए। और 1 कप मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया है। ये बिल्कुल परफेक्ट नाप है। घी अगर आप थोड़ा कम डालना चाहते तो कम भी डाल सकते हैं। और अच्छे से आपको भून लेना है। मैंने गैस की आँच थोड़ी तेज़ ही रखी, क्योंकि ये गैस इतना तेज़ नहीं जलता है। अगर गैस तेज़ जलता है तो आप मीडियम कर दें, नहीं तो तेज़ आँच पर बस आपको भून लेना है। मिश्रण है और तले में लगना नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और मिश्रण को भूनेंगे, जैसे जैसे ये भुनना स्टार्ट होगा फूलना स्टार्ट हो जाएगा और भी मिश्रण है गीला हो जाएगा और हल्की खुशबू भी आने लग जाएगी। तो बादामी कलर होने तक आपको भून लेना है। मिश्रण है काफ़ी हद तक भून चुका है, आप देख सकते हैं किस तरह का दिख रहा है। अच्छे से झाग झाग दिख रहे हैं, मतलब हमारा बेसन है भून के फूल चुका है, बेसन और सूजी। तो बस इस तरह का आपको भून के तैयार कर लेना। बेसन अच्छे से भून चुका है, गैस की आँच मैंने मीडियम कर दी है और मावा और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया है। मावा डालते वक्त आपको गैस की आँच मीडियम कर देनी है, क्योंकि मावा वो तले में चिपकता है और भुना हुआ मिश्रण भी बहुत जल्दी तले में चिपकने लगता है। कलर मैंने थोड़ा सा इसीलिए डाला है कि मुझे थोड़ी येलो कलर की बर्फी चाहिए थी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसकी जगह 1/4 कप दूध की मलाई डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से मिक्स कर लेना। मावा एक बार आप डालेंगे तो आपका मिश्रण है फूला फूला लगेगा, झाग बन जाएगी। लेकिन जैसे ही इसमें झाग खत्म हो जाए और मावा अच्छे से मिक्स हो जाए, बस इतनी देर इसको पका लेना है। थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल दिया है। आपको पसंद है इलायची का फ्लेवर तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब गैस की आँच हम धीरे कर देंगे और चीनी डाल देंगे। जो पीसी हुई चीनी थी 1.5 कप वो इसके अंदर डाल दें आप। और अगर आपके पास मार्केट वाला चीनी बुरादा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं तो आप घर में जो यूज लेते हैं चीनी, उसको पीस के पाउडर बना ले। चीनी डालते वक्त आपको गैस की आँच बिल्कुल धीरे कर देनी है। अभी आपको मिश्रण है वो सूखा सूखा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चीनी इसके अंदर मिक्स होगी तो चीनी अब है जो पानी छोड़ने लगेगी और मिश्रण है वो गीला हो जाएगा। तो इस तरह से चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेना है धीमी आँच पर, गैस आपको तेज़ नहीं करना है। एक बार आपको फिर से याद दिला दूँ, अगर थोड़ा बहुत भी मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें। चीनी को मिक्स कर लिया और ये मैंने थोड़ा सा 1/4 कप दूध ले लिया। जिस कप से मैंने बेसन लिया था उससे 1/4 कप दूध लिया। ये गर्म करके थोड़ा सा ठंडा है, मतलब गुनगुना दूध है,
और थोड़ा सा दूध डाला, चौथाई कप में से मैंने आधा दूध इसके अंदर डाल दिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिश्रण है इस तरह का गीला दिख रहा है ताकि हमारा जो सूजी का दाना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो दूध है वो सोखने तक आपको सूजी को अच्छे से वापस पका लेना है। कई बार सूजी क्या है, दूध ज़्यादा सोखती है, कई बार कम सोखती है। अगर आपको ऐसा लगे सूजी सूखी सूखी लग रही है, दूध सारा अच्छे से सोख लिया और सूखी लग रही है, जमने की स्थिति में नहीं है, तो आप बचा हुआ दूध भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस कर देंगे बंद और बर्फी को अच्छे से जमने के लिए डिब्बे में डाल देंगे। तो गैस से मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया और जो बर्तन हमने तैयार करके रखा था बर्फी जमाने के लिए, उसके अंदर मैं सारा मिश्रण है इस तरह से डाल दूँगी। ये बर्फी इतनी स्वादिष्ट बनती है मैं क्या बताऊँ, और इसमें कोई चाशनी का झंझट भी नहीं। कई बार हम बर्फी बनाते और चाशनी का झंझट रहता, सही नहीं बनती तो हमारी बर्फी परफेक्ट नहीं बनती है। इस तरह से मैंने बेसन की भी बर्फी बनाई है जिसमें चाशनी मावा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, और लाजवाब आप बेसन की बर्फी बना के तैयार कर सकते हैं। तो वो भी मेरे चैनल पे विजिट करके आप वीडियो ज़रूर से देखें। मावे का वीडियो भी मैंने बना के डाला हुआ है चैनल पे, और मैंने मावा और बेसन की बर्फी का भी वीडियो डाला हुआ है। तो इसको मैंने सेट करके पंखे के नीचे ही रख दिया था, फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर ही इसको सेट होने के लिए रख दें। जब ये सेट हो जाए तो घंटे भर में ये आराम से सेट हो जाती है। तो इस तरह से चाकू से हम किनारे छुड़ा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो हम किनारे छुड़ा रहे तो हल्की हल्की टूट रही है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी से जो बर्फी है निकल जाएगी। इसमें मैंने बटर पेपर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, इस तरह से किनारे छुड़ा लिए। अब प्लेट को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर ये डिब्बा है पलट देंगे और बस हल्का सा थपथपाएंगे, ज़्यादा थपथपाने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते कितने अच्छे से ये हमारी जो मिठाई है डिब्बे से निकल गई। आप इसका कलर टेक्सचर देख सकते, और इतनी लाजवाब मावा डालने से बहुत ही ज़्यादा शानदार बन के तैयार हुई थी। तो हम मार्केट से मिलावटी मिठाइयाँ लाते त्यौहारों पर, उससे अच्छा आप घर में बिल्कुल शुद्ध तरीके से लाजवाब मिठाई बना के तैयार करें। घर में सबको पसंद भी आएगी और खाने में ये हेल्दी भी रहती है। घर में हम मिठाई बनाते तो हमें पता भी रहता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली है। तो मैं पीस कट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट और दानेदार हमारी मिठाई बन के तैयार हुई है। तो एक बार ये वीडियो देख के आप भी ज़रूर बना के ट्राई करें, और इस मिठाई को आप आराम से बिना फ्रिज में रखे 15-20 दिन स्टोर करके रख सकते, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा ये लाजवाब बनी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी, और जब भी मीठा खाने का मन करे तो भी आप इसको बना के रख सकते हैं। और तो मैं इस तरह से थोड़ी बादाम से डेकोरेट कर दूँगी ताकि दिखने में बिल्कुल मार्केट जैसी दिखे। आप पिस्ता से या काजू से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी लाजवाब बर्फी बन के हो गई तैयार। मैं आपको पीस तोड़ के भी दिखाऊँगी ये कितनी सॉफ्ट और दानेदार बनी है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर करें, इसके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। आप इसका कलर टेक्सचर देख सकते हैं कितनी ये सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली हमारी लाजवाब मिठाई। एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट